अरे उसी के पीछे चला जाता हूँ मैं ना, चला जाता हूँ। नहीं नहीं उनके पीछे चला जाऊँगा तो चला जाएगा। लोग अभी हमारा बाइक पूरा रेडी हो गया है सेटअप, और मैं अभी देख प्रयाग में हूँ, और उस साइड में देख प्रयाग जो संगम है अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं से गंगेश नदी यानी गंगा नदी शुरू होता है। तो फिलहाल अभी का आज का टारगेट है हमारा सोन प्रयाग। हेलो, तो अभी हम देव प्रयाग से निकल रहे हैं, तो इस राइट साइड में आप देख सकते हो गंगा का जो संगम है यहीं पे है, तो उसका मैंने ड्रोन शॉट भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। आज सुबह मैंने एक ड्रोन शॉट लिया था। फिलहाल मैंने अभी देव प्रयाग में इसी रोड साइड में एक होम स्टे था, वहीं पे रुका था, तैसे तैसे ठीक ठाक है, और मुझे रूम चार्जर जो है 1200 रुपये पड़ा, और खाना पीना भी मिल जाता है वहाँ पे। यहाँ पे ना होटल्स आप तो बजट के हिसाब से तो नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे रहता है, कहाँ कहाँ पे 1500-2000 तक भी जाता है, 2500-3000 तक भी जाता है, ये आपके बजट के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। फिलहाल आप ट्रिप में हो तो कुछ गारंटी नहीं है क्या होगा होटल प्राइस और स्टे वगैरह का। तो कल तो हम सोच रहे थे श्रीनगर में स्टे करेंगे, फिर बहुत लेट भी हो गया तो हमने यहाँ पे स्टे कर दिया देव प्रयाग में, और मुझे देव प्रयाग संगम का भी ड्रोन शॉट लेना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। कोई गल नहीं, अभी यहाँ से जो है सोन प्रयाग 138 किलोमीटर है। भाई साहब क्या बोलूँ, मेरा लाइफ का ये बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट राइड है। मैं बहुत साल से सोच रहा था भाई केदारनाथ आऊँगा, नहीं आ पा रहा था, तो फाइनली दिस ईयर इज मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो केदारनाथ यहाँ से 157 किलोमीटर है, तो बाई रोड तो 137 ही आएगा, उसके बाद तो चलना ही चलना है। 20 कोई कहता है भाई 13 किलोमीटर, कोई कहता है 16 किलोमीटर, कोई कहता है 20, कोई कहता है 23, ऐसा रहता है। जो भी हो भाई चल के तो जाना है, लाइफ में एक बार केदारनाथ ना करो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो भाई व्यू तो ज़बरदस्त यहाँ पे, मतलब के देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, और सच में यार ये देवभूमि ही है। तो भाई लोग मैं अभी श्रीनगर में पहुंच गया हूं, और यहां से श्रीनगर से सोन प्रयाग 107 किलोमीटर गूगल मैप में दिखा रहा है। तो ये है श्रीनगर, छोटा सा टाउन है, और यहां पे बहुत सारे स्टे भी है, होटल ऑप्शन बहुत है यहां पे, और होटल श्रीनगर में थोड़ा महंगा है अकॉर्डिंग टू देव प्रयाग। देव प्रयाग में थोड़ा सस्ता है, और श्रीनगर में थोड़ा होटल जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है। तो वह सीन कुछ ऐसा है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त।
तो भाई लोग मैं अब धारी देवी धाम में पहुंच गया हूं। अभी ये नीचे लेफ्ट साइड में है धारी देवी मंदिर, तो मैं आपको ऊपर से दिखा दूंगा और अंदर जाने का टाइम नहीं है, बस ऊपर से दर्शन करके हम चले जाएंगे, क्योंकि भाई टाइम बहुत लगता है। तो यहीं से मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं अभी धारी देवी मंदिर में पहुंच गया हूं और मैं आपको दिखाता हूं सामने का व्यू। अंदर जाने का टाइम नहीं है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा नीचे जाने में, तो यहीं से मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये है धारी देवी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट रुकते हैं, तो मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे और 89 किलोमीटर जाना है भाई, और टाइम हो गया है 10:30। तो यहाँ से जल्दी से निकल के जल्दी पहुँच जाएंगे, फिर होटल भी ढूँढना है और बहुत कुछ काम है बाकी। तो मेरा तो मतलब कि स्टे का प्लानिंग था गुप्त काशी में एक होटल है, वहाँ पे रुकने के लिए। पर अब मैं सोच रहा हूँ भाई सीधा मैं चला जाऊँगा, क्योंकि नहीं तो गुप्त काशी से सोनप्रयाग 30 किलोमीटर है। अब मैं लेट में निकलूँगा तो मुझे भी लेट हो जाएगा, तो भाई जितना पास हो सके उतना पास चला जाऊँगा, सोनप्रयाग ठीक ही रहेगा। व्यू तो ज़बरदस्त है, अभी धूप हो रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लग गया भाई जाम, तो यहाँ से अभी गुप्त काशी 6.6 किलोमीटर है और रोड जो है बहुत नैरो है, एक ट्रक आ रहा है तो दूसरी गाड़ी जाना भी मुश्किल है भाई। सर उसी के पीछे चला जाता हूँ मैं ना, चला जाता हूँ इधर से निकलेगी ना। नहीं नहीं उनके पीछे चला जाऊँगा तो चला जाएगा। तो हम लोग सोनप्रयाग पार्किंग में पहुँच गए और भाई साहब बाइक रखने का तो सुविधा है, पार्किंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पार्किंग है भाई। देखते हैं उड़ीसा का कोई बंदा आया हो, उड़ीसा का बाइक कहाँ पे रखना रे बेटा, यहीं पे। तो मैं अभी पार्किंग के अंदर हूँ और यहाँ पे लॉकर रूम है, क्लर्क रूम, सामान रख सुरक्षा का। तो यहाँ पे आप आके मतलब के सामान रख सकते हो, और क्या रेट है मैं आपको बता दूँगा, देखना पड़ेगा प्राइस। ये इसका रेट क्या है, रेट ये पर बैग 12 घंटे का 50 रुपये लेते हैं, और हेलमेट भी रख सकते हैं आप, CCTV भी है, मतलब सामान जो है आप सुरक्षित रहेगा, कोई पंगा नहीं है, बाइक भी बहुत अच्छे से रहता है, तो इसी के अंदर बाइक रखते तो अच्छा रहता। तो भाई लोग मैं पहुंच गया हूँ सोनप्रयाग, और हमने यहाँ पे मेरा बाइक पार्क किया है, पीछे एक बड़ा पार्किंग है तो वहाँ पे। तो एक्चुअली जो पार्किंग का चार्ज मैं आपको बता देता हूँ, वो 12 आवर को 50 रुपीज़ लेते हैं,
पार्किंग चार्ज और आपका लगेज वगैरह जो भी रखना है वहाँ पे लॉकर रूम भी है, तो आप वहाँ पे भी हमने भी बैग वगैरह रखा, तो हमको पड़ा पर मतलब 12 आवर्स का पड़ा 50 रुपीज़। तो इसी के हिसाब से आपका जितना आवर आपको बैग रखोगे उसी के हिसाब से पैसा लगेगा। और रिसीट देंगे, रिसीट रखना पड़ेगा पास, जब आप यहाँ पे आओगे तब आपको रिसीट दिखा के बैग लेना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई पूरा हम पूरा गेटअप में हैं और केदारनाथ ट्रिप के लिए, तो यहाँ से भाई लोग ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चलना। तो हमारा तो आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख का हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी जाके वहाँ के पूछेंगे, छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा, रुक जाएंगे। और सिपुन में पूरा रेडी हैं ट्रैकिंग करने के लिए। मेरा बैग बहुत भारी है, सिपुन का थोड़ा हल्का, और मैं कैमरा भी साथ में ले रहा हूँ। तो और बिलीव नहीं करोगे मैं शॉर्ट्स में जा रहा हूँ, मुझे गर्मी हो रही है यहाँ पर भाई। क्या भीड़ है, क्या जाम रोड है, पूरा दिमाग ख़राब हो गया हमारा। तो ठीक है, मतलब कि जितना भी सुविधा है सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे ठीक ठाक लगा। गाड़ी का पार्किंग का भी बहुत सुविधा है, खाली एक प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत जाम लगा रहता है। चलो आगे मैं मिलूँगा आपसे।